A very good morning all of you, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. और अपनी studies regularly चालू है ना आपकी? Unit test आ रही है ना? So you are doing all your preparations ना? Well, okay, very good. So dear students, अभी तक हमने क्या-क्या सीख लिया? व्यंजन सीख लिए, कर्तुगना, right? फिर number सीख लिए, एक थी दस, ठीक है? उसको भी हमने after, before, between कैसे लिखते, फिर missing numbers में, वो सब कुछ हमने सीख लिया, okay, right? उसके बाद व्यंजन में हमने सिर्फ लिखना सीखा था, ठीक है? कि कर्तुगना कैसे लिखते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, pronounce करते हैं with pictures, right? तो आज हम dear students, what we will learn? Okay, I'll tell you. So today we are going to learn fill in the blanks means खाली जगह भरो. वो भी किसका? Means numbering का नहीं, numbers का नहीं. हम व्यंजन का सीखेंगे कि उसको हम कैसे blanks में हम भरेंगे. ऐसे missing में दिया हुआ होगा तो उसको जो भी answer आएगा, जो भी व्यंजन उसके बाद आएगा या बीच में आएगा तो वो उसको भरना है, right? तो हम कर्तुगना उसके अंदर में से fill in the blanks ले रहे, right? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. और हाँ, दूसरा भी हमने लिया है ज्वाइन द लेटर्स मीन्स लेटर्स को ज्वाइन करना है. उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जो भी शब्द लिखा है यहाँ पे, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है तो सेम लेटर यू हैव टू मैच, राइट? तो इट्स वेरी इजी, ओके? सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसको लिखना है. सो यू विल बी राइटिंग एवरीथिंग दिस इन योर गुजराती फेयर नोटबुक, ओके, राइट? सो लेट अस सी. सो व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन इज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है खाली जगह भरो, मीन्स गुजराती में फिल इन द ब्लैंक्स को क्या बोलेंगे? खाली जगह भरो, राइट? अभी फर्स्ट वाले में क्या है? यू कैन सी, तो फर्स्ट व्यंजन क्या है? क. क्या है? क. तो क के बाद क्या आएगा, याद करो? क कमर नो क, ख खटारा नो ख, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ख. ये हो गया ख. उसके बाद ग लिखा हुआ है, ग गणपति नो ग, तो ग के बाद क्या आएगा? हाँ, घ घर नो घ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे घ घर नो घ, राइट? तो ये जो हम घ लिखेंगे बेटा, याद रखने का कि ये जो लाइन है ये ऊपर तक जाना चाहिए. अगर वो लाइन आपने अगर छोटी सी थोड़ी सी भी नीचे लिखी तो वो ध धजा नो ध हो जाएगा, राइट? सो आपको ध्यान रखने का, जब भी आप घ घर नो घ लिखो और ध ध जानो ध, राइट? ध ध जानो ध में लाइन थोड़ा छोटा आएगा और घ में लाइन पूरा ऊपर तक ऐसे जाएगा, राइट? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस मूव टू सेकंड नंबर. सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है? ट. ट टामेटानो ट, तो ट टामेटानो ट पची शू आवे? हाँ, ठ ठड़ियानो ठ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ठ ठड़ियानो ठ, राइट? उसके बाद इसको मैं फिर से लिखती हूँ, ठ ठड़ियानो ठ. उसके बाद क्या आएगा? ड डगलानो ड. यहाँ पे ड डगलानो ड. आफ्टर दैट ढ ढगलानो ढ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ढ ढगलानो ढ, राइट? हो गया ट ठ ड ढ अण, ये लाइन ओवर. नाउ व्हाट इज नंबर थ्री? त. ये क्या है? त तलवार नो त, त तरबूज नो त. तो त के बाद क्या आएगा? थ थड़ नो थ. तो यहाँ पे थ लिख देंगे हम. फिर उसके बाद लिखा हुआ है द, द दड़ा नो द. उसके बाद आएगा क्या आएगा? जल्दी से बोलो, कम जल्दी जल्दी स्पीक. यस, ध धजानो ध. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ध धजानो ध, राइट? तो ये जो लाइन है देखो, मैंने छोटी सी लाइन की है, ठीक है? यहाँ ऊपर तक नहीं जाना है आपको, राइट? अगर आप ऊपर तक चले जाओगे तो वो घ घर नो घ बन जाएगा, है ना? अभी मैंने आपको जैसे बताया. फिर न नड़नो न है, त थ द ध न. उसके बाद क्या आएगा? प पतंग नो प. ये ओवर. नाउ फोर्थ नंबर, ये है ब, ब बतक नो ब, है ना? तो उसके बाद क्या आएगा?
जल्दी बोलो, याद करो। यस, भ भमरडानो भ, भ भमरडानो भ। भमरडो मीन्स टॉप। आप खेलते हो ना, देखा है ना भमरडा, वैसे रस्सी बांध के फिर ऐसे नीचे फेंकते, वही है। प अरे सॉरी, ब भ भ के बाद क्या आएगा, म मरचानो म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म मरचानो म, राइट। उसके बाद य तो लिखा हुआ है, ठीक है, य तीनों य। उसके बाद हाँ, र रमकड़ानो र, य र, और र रमकड़ानो पची ल लसणनो ल, ल लखोटानो ल, और ये व पीछे दिया हुआ है, वह वर्णो व, राइट। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया, ब भ म य र ल व। अभी र से स्टार्ट हो रहा है, तो र रमकड़ानो र। उसके बाद क्या आएगा, हाँ ल, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है ना, र के बाद ल, ल ल ल खोटानो ल, तो आप ऐसे यहाँ पे ल लिख दोगे, हो गया। फिर व लिखा हुआ है, व य र ल व, फिर शरणाइनो श, तो ऐसा सर्कल वाला स करने का आपको, जैसे हम र बनाते हैं तो उसको ऊपर से ऐसे गोल कर देना है, सर्कल थोड़ा सा, तो हो गया श शरणाइनो। फिर ये है षटकोणो श, ठीक है। ये प पतंग बनाते हैं ना, प वैसा ही है, बीच में ऐसे स्लैंटिंग लाइन कर देने का, तो वो बन गया श षटकोणो। फिर ये स, उसके बाद ह, हणनो ह, राइट, हो गया। सो दिस लाइन इज ओवर। अभी श शरणाइनो श, उसके बाद क्या आएगा, यस यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख रहा है कि श के बाद क्या है, हाँ षटकोणो श। वापिस हम लिखेंगे प जैसा लिख के बीच में ऐसे स्लैंटिंग लाइन, श ख श। फिर क्या आएगा, ह ह हणनो ह। फिर हाँ क्या आएगा, क्षत्रियनो क्ष, क्ष क से प्रोनाउंस करने का, क्या क्ष, राइट। तो ऐसे क्ष क्षत्रियनो क्ष। सो ये ब्लैंक्स ओवर हो गई, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज दिस, आपेला अक्षर ने जोड़ो, मीन्स जॉइन द लेटर्स विद द, मीन्स सेम लेटर को आपको देख के पहचानना है वो वर्ड जिससे स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये म है, तो म से कौन सा वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो यू कैन सी हियर म, तो म वाला यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, ओके, एफ तक दिया हुआ है ऑप्शन, तो उसमें म वाला कौन सा है, ये ग है, ठीक है। आ की मात्रा जर, गाजर, फर्स्ट वाला गाजर, सेकंड में म, आनी मात्रा अड, आनी मात्रा तो माड़ा, माड़ा, तो ये म से स्टार्ट हो रहा है, राइट, आपको पता चल गया है ना। बाकी का पहला अक्षर देख लो, ये है फ, ये है र, ये है त, ये है ब, तो आपको जिसमें मैच होता है वो पहला अक्षर, उसी में आपको मैच करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है कि हाँ फर्स्ट का बी में आ है, आई नो कि हाँ इसका आंसर ये बी है, ठीक है। तो आपको क्या करने का, यहाँ पे देखो आंसर का कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आंसर का कॉलम आपको, वन नंबर का आंसर कौन सा आया, बी, राइट, बी आया, तो आपको ये बी जो है यहाँ पे लिखना है, ऐसे हो गया, ऐसे। तो आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग मैचिंग नहीं करने का, ठीक है, आपको ऐसे सीखने का है ना, दिस इज द राइट वे टू मैच, ठीक है। अभी फर्स्ट का हो गया म, माड़ा नो म, हो गया। अभी सेकंड ये क्या है, फ फटाकड़ानो फ, राइट, तो अभी फ फटाकड़ानो फ, तो आप ढूंढो फ कहाँ है, यहाँ है ना, फ ट आनी मात्रा क, ड आनी मात्रा फटाकड़ा, तो ये इसमें मैच होगा फ का सी में, ये टू का सी में, तो यहाँ पे टू नंबर है, टू के सामने कौन सा मैच हुआ, सी, तो हम सी लिख देंगे, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ये है ग, राइट, तो हाँ अभी देखो ग, तो आप ग वाला ढूंढो, वेर इट इज, ये ए वाला, ए में क्या है, गाजर, ग गाजर नो ग, तो थ्री नंबर का ए में मैच हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ थ्री नंबर जो लिखा उसमें आप ऐसे ए लिख दोगे, ओवर। नाउ फोर, ये है ब, ब बतक नो ब, तो ब से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ यू कैन फाइंड आउट, ए ये रहा लास्ट वाला,
बाग, ब आणि मात्रा ग, बाग, राइट। तो फोर का ये वाला है एफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ, राइट, ओके। उसके बाद र, अभी र से कौन सा है, ये रहा देखो र, राजा नो र, तो फाइव नंबर का मैचिंग हुआ, कौन सा आया डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी, ओके। और लास्ट वन है त, त, तो त से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, ये रहा तारा, है ना, तारा मीन्स स्टार, ठीक है, आकाश में जो होते हैं ना स्टार, उसको तारा, तो ये त से स्टार्ट हुआ, तो सिक्स का कौन सा गया ई, तो यहाँ पे मैंने सिक्स नंबर लिखा है, तो सिक्स के सामने आप लिखोगे ई, राइट। सो ओवर। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू दिस, नोटबुक में फर्स्ट पेज में यू हैव टू राइट दिस एंड सेकेंड पेज में आपको ये मैचिंग लिखना है, ऐसे ही सेम मेथड में आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, राइट, ओके। और ऐसे 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 डोंट मैच इट, ऐसे मैचिंग नहीं करना, आपको ऐसे ही प्रॉपर वे में ऐसे आंसर लिखने का, ओके। सो एग्ज़ाम में भी अगर मैचिंग आता है तो आप ऐसे ही कॉलम दिया होगा तो आप उसमें लिख देना आंसर का कौन सा नंबर में वो मैच होता है, राइट। सो दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके, इन नोटबुक, फेयर नोटबुक, राइट, फेयर नोटबुक, ओके, एंड दिस विल बी ऑल्सो, ओके, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क इन फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें भी हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में काम आएगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। सो फॉर दैट ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ओके, एंड यू विल बी कंप्लीटिंग योर वर्क, राइट, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।